हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के बड़सर के ब्याड़ कस्बे में देर रात गोलीकांड हुआ है, जिसमें एक नेपाली मूल के लड़के ने एक प्रवासी महेश नाम के लड़के पर लाइसेंस बंदूक से गोली चला दी। गनीमत ये रही कि गोली महेश के हाथ पर लगी है, जिसे घायल अवस्था में क्षेत्रीय अस्पताल ऊना के लिए रेफर किया गया। हालांकि महेश अभी खतरे से बाहर है, उसका उपचार ऊना अस्पताल में चल रहा है। वहीं एसपी हमीरपुर अर्जित सेन ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपी नेपाली के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है और मामले की छानबीन की जा रही है। पिछले कल रात को करीब 9:30 बजे जो हमको इन्फॉर्मेशन आई है कि एक इंसिडेंट हुआ है बड़सर में, बड़सर एरिया में, वहाँ पे एक गांव है ब्यार नाम का, वहाँ पे भीम बहादुर एक नेपाली मूल के एक व्यक्ति हैं जो 21 वर्ष से उसी एरिया में रह रहे हैं। उन्होंने इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और एक बंदूक लेके, लाइसेंसी बंदूक किसको बताया जा रहा है, वो लेके जो है ये इन्होंने एक महेश कुमार हैं जो दरभंगा से हैं, एक माइग्रेंट हैं जो यहाँ पे हमारे उसी एरिया गाँव में रहते हैं, उनके ऊपर जो है बंदूक से फायर किया और उनके हाथ में जो है इंजरी आई है। रात को उनको ऊना हॉस्पिटल भी रेफर किया गया था जो विक्टिम है। सुबह डॉक्टर से बात भी हुई है, वो अभी खतरे से बाहर है। हमने जो एक्यूज है उनको अरेस्ट कर लिया है, हमने हथियार भी जो है कब्जे में ले लिया है और अभी हमने उसमें 307 और आर्म्स एक्ट में जो है मुकदमा दर्ज किया है, तफ्तीश अभी उसमें कंटिन्यू है।